हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले टीम इंडिया के प्रैक्टिस मैच की, जो कि श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ खेला गया। ये मैच 22 को स्टार्ट हुआ और 23 को समाप्त हो गया। ये दो दिन का प्रैक्टिस मैच टीम इंडिया को मिला था और ये मैच ड्रॉ रहा। और हम इस मैच की बात करें तो इस मैच में श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट 11 ने पहले बैटिंग की और इन्होंने बनाए 187। टीम इंडिया ने इन्हें 187 पे ऑल आउट कर दिया और इनके हाईएस्ट स्कोर रहे धनुष का, जिन्होंने 74 रन बनाए। 97 गेंदों में इन्होंने 4 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं लगाया। इनका स्ट्राइक रेट रहा 76। और इसके बाद हम बात करें तो लेरू त्रिमाने ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। सिल्वा के बाद बात करें तो इन्होंने 59 रन बनाए, 125 गेंदों का इन्होंने सामना किया और 5 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। इनका स्ट्राइक रेट रहा 47। इसके बाद हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो रोशन सिल्वा ने बनाया, जो कि 29, इन्होंने 44 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए और 65 इनका स्ट्राइक रेट रहा। और फिर हम इंडिया के बॉलिंग, ये तीनों इंडिया इनकी तरफ से श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहे। और हम टीम इंडिया के बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 5 ओवर डाले और 1 ओवर मेडन डाला, 9 रन दिए और उन्हें 2 विकेट मिले। और इनके बाद हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 6 ओवर डाले, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, उन्होंने 18 रन दिए। उमेश यादव ने 8 ओवर डाले, 43 रन दिए, उन्हें काफ़ी मार पड़ी बट उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। ईशांत शर्मा, जिन्होंने 7 ओवर डाले, 1 मेडन रहा और 27 रन दिए बट उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर डाला, 1 ओवर मेडन रहा और 8 रन दिए। रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो उन्होंने 10 ओवर डाले और 2 मेडन ओवर रहे और 34 रन दिए बट इन्हें कोई विकेट नहीं मिला। और रविंद्र जडेजा की बात करें, इन्होंने 9 ओवर डाले और 31 रन दिए और इन्हें 3 विकेट मिले। और कुलदीप यादव की बात करें तो इन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, इन्होंने 6.5 ओवर में 2 मेडन ओवर डाले और 14 रन दिए और 4 विकेट चटकाए। तो कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की और रविंद्र जडेजा को भी 3 विकेट मिले और 2 विकेट मोहम्मद शमी को मिले। और जो कि सिल्वा ओपनिंग करने आए थे, जिन्होंने 74 रन बनाए, वो रनआउट रहे, इसलिए टीम इंडिया 9 विकेट्स बॉलर्स ने लिए और 1 रनआउट के रूप में गिरा। और टीम इंडिया के बैटिंग की हम प्रदर्शन की बात करें तो लोकेश राहुल काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, 54 रन बनाए उन्होंने 58 गेंद में। उनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने 93 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और उन्होंने 7 चौके लगाए, तो 54 रन बनाए उन्होंने 58 बॉल में। उसके बाद हम बात करें तो अभिनव मुकिन, जो कि लोकेश राहुल के साथ ओपनिंग करने आए थे बट उन्होंने कुछ खास नहीं किया, वो पहली गेंद पे आउट हो गए। फिर चेतेश्वर पुजारा आए थर्ड तो वन डाउन पे, तो उन्होंने 12 रन बनाए, वो भी कल जल्दी आउट हो गए बट उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया और 2 चौके लगाए। और हम उनके बाद पुजारा आउट हुए। फिर आए विराट कोहली, जिन्होंने की 53 अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 53 रन बनाए 76 बॉलों में और उन्होंने 8 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, 69.74 का। अजिंक्य राणा ने भी कमाल की बैटिंग की, उन्होंने 40 रन बनाए 58 बॉलों में और 3 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट रहा 68.97। रोहित शर्मा की बात करें, इन्होंने 38 रन बनाए 49 गेंदों में, 1 चौका, 2 छक्के लगाए। इनका स्ट्राइक रेट रहा 77.55। शिखर धवन की बात करें, इन्होंने 41 रन बनाए 48 गेंदों में, इन्होंने 7 चौके लगाए, 85 इनका स्ट्राइक रेट रहा। और रिद्धिमान शाह की बात करें, ये नॉट आउट रहे, 36 रन बना के और इन्होंने 40 गेंदों का सामना किया और इन्होंने 2 छक्के लगाए। इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा, 90 का स्ट्राइक रेट था रिद्धिमान शाह का। और हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने केवल 11 रन बनाए, 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 चौका लगाया, उनका स्ट्राइक रेट रहा 84.62। उसके बाद रविंद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने 18 रन बनाए 32 गेंदों में, 2 चौके लगाए, 56 उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो ये टीम इंडिया ने टोटल 312 रन बनाए 9 विकेट खोकर। और अंत, ये केवल दो दिन का प्रैक्टिस मैच था और ये इसलिए ये मैच ड्रॉ रहा। इस मैच की हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से हम देखें इस मैच का क्या महत्वपूर्ण पॉइंट रहे, तो ये सबसे अच्छा रहा कि टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका मिला और सिर्फ अभिनव मुकुंद और चेतेश्वर पुजारा को छोड़ दिया जाए तो सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर किया। लोकेश राहुल, अजिंक्य राणे और विराट कोहली ने तो अच्छी गेंद बैटिंग भी की, उन्होंने काफ़ी अपनी, और वो रिटायर्ड आउट हुए, उन्हें कोई आउट भी नहीं कर पाया। और ये टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रैक्टिस मैच रहा। बॉलर के लिए भी हम बात करें तो मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और विकेट चटकाए, तो इन्हें अच्छी प्रैक्टिस मिली। तो फ्रेंड्स, क्रिकेट से अपडेट रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका कोई फ्रेंड क्रिकेट का फैन है तो ये वीडियो आप उसके साथ जरूर शेयर करें।